हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ जब कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो पुलिस में जाकर के FIR दर्ज कराता है। पहले CRPC की धारा 154 के तहत FIR दर्ज होती थी संज्ञेय अपराधों की। BNSS लागू होने के बाद 154 की जगह 173 धारा आ गई है। डिटेल में वीडियो का लिंक आई बटन में आप देख सकते हैं। लेकिन जब पुलिस के द्वारा FIR दर्ज करने से मना कर दिया जाता है तो फिर CRPC की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के न्यायालय में FIR दर्ज करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। अब 156(3) की जगह 175(3) धारा आ गई है BNSS की। 175(3) में भी मेरा डिटेल वीडियो है, आप आई बटन में उसका लिंक है, देख सकते हैं। तो 156(3) के संबंध में अक्सर हम लोग देखते हैं कि 156(3) का जब प्रार्थना पत्र कोर्ट में देते हैं तो कोर्ट के द्वारा उसको कंप्लेंट केस के रूप में ट्रीट कर लिया जाता है, परवाद के रूप में चलाने के लिए। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि केस हुआ था 2007 में सुखवासी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। केस की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि मजिस्ट्रेट के विवेक पर है कि 156(3) पे वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करे या उसको शिकायत यानी कंप्लेन के रूप में दर्ज करा के और कंप्लेन केस के रूप में चलाने के लिए प्रोसेस अपनाए। तब से 156(3) कंप्लेन के रूप में ट्रीट की जाने लगी थी। अब यहां पर एक सवाल है और बहुत ही जेन्यून और बुनियादी सवाल है कि आखिर मजिस्ट्रेट 156(3) के हर एप्लीकेशन को क्या कंप्लेन के रूप में ट्रीट कर सकती है? अगर 156(3) की हर एप्लीकेशन को कंप्लेन के रूप में ट्रीट नहीं कर सकती तो वो किस तरीके के अपराध हैं जिनको कंप्लेन के रूप में ट्रीट नहीं किया जा सकता, जिनमें FIR का आदेश करना ही पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन का आदेश? तो आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो देखते हैं कि संबंध में कानून क्या कहता है। और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, उस जजमेंट के बारे में भी बातचीत करेंगे। 2 सितंबर 2024 का जजमेंट है। तो दोस्तों जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। दोस्तों एक उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट का मामला था। एक व्यक्ति के द्वारा SC/ST कोर्ट में 156(3) की एप्लीकेशन दी जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये कहा जाता है कि मेरे साथ संज्ञेय अपराध कारित हुआ, पुलिस ने मेरी FIR दर्ज नहीं की, पुलिस को डायरेक्शन दिया जाए कि इस मामले में FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करे। मजिस्ट्रेट के द्वारा यह कहते हुए कि शिकायतकर्ता को एप्लीकेशन में जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं उन सारे फैक्ट्स की जानकारी प्राप्त है, विटनेसेस की भी जानकारी उसको प्राप्त है और चूंकि शिकायतकर्ता के संज्ञान में सारे तथ्य हैं, उसके नॉलेज में सारे फैक्ट्स हैं, इसलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है और उस मामले को कंप्लेंट केस के रूप में चलाने का आदेश पारित कर दिया जाता है। अब SC/ST कोर्ट के द्वारा जो 156(3) के एप्लीकेशन को कंप्लेंट केस के रूप में चलाने का आदेश पारित किया गया था, उस आदेश के खिलाफ जो एप्लीकेंट था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 482 दाखिल की जाती है, 482 नंबर 24716/2024 मुकेश खरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। तो 482 दाखिल की जाती है और ये कहा जाता है कि ट्रायल कोर्ट ने 156(3) के प्रार्थना पत्र को कंप्लेंट के रूप में चलाने का जो आदेश पारित किया है वो गलत किया है, वो सही आदेश पारित नहीं किया है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट होता है और हाई कोर्ट के द्वारा 156(3) के मामलों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की जाती है। डिटेल में बताया जाता है कि वो कौन से मामले हैं 156(3) के जिनमें FIR ही होनी चाहिए, जिनको कंप्लेंट केस के रूप में ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। तो देखते हैं कि आगे हाईकोर्ट के द्वारा इस संबंध में क्या कहा जाता है। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस मंजू रानी चौहान, उनके द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। बुनियादी बात पहले कही जाती है कि जिनमें किसी भी तरीके की जांच की आवश्यकता हो, सुचारू रूप से प्रोसिक्यूशन को शुरू करने के लिए जांच की आवश्यकता हो, जहां पर उसमें FIR का आदेश पारित करना चाहिए। और इसी के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनमें से पहली बात कही जाती है
जहां आरोपी का पूरा विवरण शिकायतकर्ता को ज्ञात नहीं है, जिसके साथ अपराध किया गया है, जिसने अपराध किया उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी नहीं है, इसे केवल जांच के द्वारा ही डिसाइड किया जा सकता है, ऐसे मामलों में FIR का आदेश पारित करना चाहिए। दूसरी बात कही जाती है, जहां संदिग्ध स्थानों या व्यक्तियों पर छापे या तलाशी करने, किसी किडनैप व्यक्ति की बरामदगी करने, किसी चोरी की संपत्ति की बरामदगी करने, किसी भी तरीके की रिकवरी है, व्यक्ति की रिकवरी हो, आर्टिकल की रिकवरी हो, तो भी FIR का आदेश पारित करना चाहिए। तीसरी बात कही जाती है कि जहां आरोपी के खिलाफ सफल अभियोजन शुरू करने के उद्देश्य से साक्ष्य एकत्र करने और उन साक्ष्य को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, यानी अभियोजन को शुरू करने के लिए ढेर सारे एविडेंसेस चाहिए और एविडेंस शिकायतकर्ता के पास नहीं है, पुलिस कलेक्ट करेगी, ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और वो कौन से मामले होंगे, कुछ एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि कहाँ जरूरत पड़ सकती है। कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जैसे कहीं पर कोई ऐसी घटना है कि जहाँ पर गंभीर चोट है या मर्डर हो गया है, तो घटना स्थल की खून लगी हुई मिट्टी और सादी मिट्टी, ये दोनों ली जाती है। तो कोर्ट ने कहा जहाँ घटना स्थल को निर्धारित करने के लिए, मैं आपको बता दूँ कि घटना स्थल की सादी मिट्टी और खून आलूदा मिट्टी ये क्यों ली जाती है, ये इसलिए ली जाती है कि दोनों मिट्टी एक ही जगह की थी, घटना इसी जगह की है, तो घटना स्थल को निर्धारित करने के लिए ये खून से लथपथ मिट्टी और बिना खून लगी हुई मिट्टी ली जाती है और उसको सील बंद करके जांच के लिए भेजा जाता है, तो ऐसे मामले हो गए। दूसरी बात, मामले की संपत्ति की बरामदगी पुलिस करेगी, इसके बाद उसको सील बंद करेगी, वो केस प्रॉपर्टी होता है, ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के एविडेंस के समय, तो ऐसे मामलों में भी सात अधिनियम के धारा 27 के तहत जहां पर रिकवरी होनी है। एविडेंस एक्ट का धारा 27 क्या कहता है कि अगर कोई अभियुक्त कहता है कि मैंने फला हथियार का इस्तेमाल किया है घटना में, पुलिस को यह बयान देता है, हालांकि पुलिस के सामने दिया गया बयान एडमिसिबल नहीं है, लेकिन अगर उसके इस बयान से उस हथियार की उसके बताई गई जगह पर रिकवरी हो जाती है, तो ये रिकवरी 27 की रिकवरी मानी जाएगी और रिकवरी एडमिसिबल है, उसके खिलाफ पढ़ ली जाएगी। तो जहां पर 27 की बरामदगी होनी हो वहां पर FIR का आदेश होना चाहिए। किसी तरीके की जांच रिपोर्ट तैयार करनी हो तो FIR का आदेश होना चाहिए। जहां विटनेसेस के बारे में जानकारी नहीं है कि घटना को किसने देखा किसने नहीं देखा, वहां पर FIR का आदेश होना चाहिए। इन परिस्थितियों के अलावा जहां पर A to Z सारे फैक्ट्स मालूम हैं, सारे गवाहों को मालूम है, किसी तरीके की रिकवरी नहीं होनी, किसी तरीके की बरामदगी नहीं होनी, कहीं कोई ऐसी आर्टिकल या कोई भी चीज़ बरामद नहीं करनी, किसी जांच की भी जरूरत नहीं है, ऐसे अगर 156(3) के प्रार्थना पत्र आते हैं तो उनमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। इस तरीके की बातें करते हुए एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पुलिस की डायरी में अनावश्यक मामलों को जोड़ने से उन मामलों के संबंध में उनकी दक्षता कम हो जाएगी जिनमें वास्तव में जांच की जरूरत है। इसके अलावा अध्याय 15 के तहत संज्ञान लेने और कार्रवाई करने के बाद भी मजिस्ट्रेट धारा 202(1) में भी जांच का आदेश दे सकता है। कंप्लेंट केस में 200 और 202 CRPC के बयान होने के बाद भी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है जांच की जरूरत है तो भी जांच का आदेश दे सकता है। और इस तरीके से इन तमाम बातों को डिस्कस करते हुए फाइनली जो ट्रायल कोर्ट का आदेश था 156(3) के एप्लीकेशन को कंप्लेंट के केस के रूप में चलाने के लिए उसको सिट असाइड कर दिया जाता है, 482 को अलाउ कर दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट को यह डायरेक्शन दिया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद 1 महीने के अंदर इसमें पुनः आदेश पारित करें। तो दोस्तों यह थी 156(3) के संबंध में एक बेहतरीन जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं एक अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।